इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से। आपको बता दें, अनंतनाग के ब्रजपेरा में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी। जी हां, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रजपेरा में अज्ञात बंदूकधारियों ने की गोलीबारी, जिसमें दो स्थानीय युवकों की मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें, दो स्थानीय युवकों पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के ब्रजबेरा से, जहां पर अज्ञात बंदूकधारियों ने दो युवकों पर गोलीबारी कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसी बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से, हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनंतनाग से शाह जाकिर जुड़ गए हैं। जी सर, खबर की विस्तार से जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बताता चलूं कि ये वाक्या जो है करीबन 8:30 बजे के आसपास हुआ है, जो अभी इवनिंग में हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक नामालूम बंदूक बरदारों ने दो शहरियों के ऊपर फायर खोला है, जिसमें जाके दो सिवलियन जो है वो उनकी जख्मी होने की खबर आ रही थी पहले। तो मैं आपको बता दूं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसे हुई है, संजीत अहमद परे जो कि 19 ईयर्स ओल्ड था, और उसके बाद दूसरा शहरी जो है शाहनवाज अहमद भट्ट बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, शुरू से इनके ऊपर एक नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई है, उसके फौरन बाद इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहां जाके उनको इलाज के लिए वहां पे शिफ्ट किया गया था। मैं आपको बता दूं, जो संजीत अहमद परेज था वो जख्मों की ताब ना लाकर वहां पे दम तोड़ गया है, आंध्या रेवल, ठीक है। और उसके बाद शाहनवाज भट्ट जो है उसको GMC अनंतनाग में शिफ्ट किया गया था, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जो संजीत अहमद परे वो एक डेंटल टेक्नीशियन था, जो कि शाहनवाज भट्ट वो एक ऑटो ड्राइवर था बाय प्रोफेशन। मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट फोर्सेस ने इस एरिया को जो है पूरे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि जितने भी वहां पे जिन्होंने ये अटैक किया है उनको जो है पकड़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जितने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया गया है फोर्सेस के द्वारा, ताकि जो भी जिन्होंने भी ये अटैक को अंजाम दिया है उनको भागने में कोई मोहलत ना दी जाए। मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे के आसपास ये वाका पेश आया था, जिसमें जाके अभी ये खबर आ रही है कि दोनों जो है सिविलियन वो जख्मों की ताब ना लाकर उन्होंने दम तोड़ा है। जी मैम, तमाम जानकारी के लिए शाह जाकिर, आपका धन्यवाद। जी हाँ, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ब्रजबेरा के जबलीपुरा इलाके में शाम को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें दो व्यक्तियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात बंदूकधारियों ने दोनों पर गोलियां चलाई, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से।